हम बात करेंगे स्टूडेंट सर्कल है क्या सर्कल है क्या ठीक है इस पर बात करना डिस्कशन करना ज़्यादा ज़रूरी आप अब देखो सर्कल का फिगर हम ड्रॉ करते हैं देखो आप आप देख सकते हैं ये जो फिगर है जो हमने हमने बनाया ये एक सर्कल है और ये जो सर्कल का ये जो है ये इसका सेंटर लाता है एक्चुअली दिस इज डिनोटेड बाय ओ इसको ओ हमने मान लिया यहाँ पर ठीक है अब ये जो सर्कल है ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया ये बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक सर्कल ड्रॉ किया ठीक उसके बाद ये इसका सेंटर अच्छा ये इस सेंटर से ये जो जो सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स है कोई भी पॉइंट्स को आ, कोई भी पॉइंट्स से इस सेंटर का जो दूरी है वो एवरीवेयर कांस्टेंट डिस्टेंस है यानी यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है कांस्टेंट डिस्टेंस इस सर्कल के सर्कम का कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ से नापो इस सेंटर से वो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ से नापो वो आपका कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ से नापो हर जगह फिक्स डिस्टेंस है है ना फिक्स डिस्टेंस बोलो या कांस्टेंट डिस्टेंस रहो यानी कहीं ना कहीं जब हमने सर्कल ड्रॉ किया तो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर बनाया और हर एक पॉइंट इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस बना रहा है तो सर्कल का डिफिनेशन क्या हुआ कि सर्कल क्या है यहाँ पर हम डिफिनेशन लिख रहे हैं कि ए सर्कल इज़ आ इज़ आ सेट ऑफ पॉइंट्स सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इन अ प्लेन यानी आप सर्कल क्या है सर्कल कैसे बन रहा है सारे पॉइंट्स को मिलाकर बन रहा है सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन इच ऑफ विच हर एक इच ऑफ विच इच ऑफ विच इज एट फिक्स डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट स्टूडेंट्स हम ध्यान से एक बार इसको पढ़ते हैं ये सर्कल क्या है इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक सर्कल का फॉर्म बन रहा है इन अ प्लेन ईच ऑफ विच इज़ एट यानी हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस सर्कल के इस, इस जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो इस कोई भी पॉइंट ले लो इस पॉइंट कोई भी एक पॉइंट ले लो इस पॉइंट से और इस सेंटर से मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है वो हर जगह फिक्स आपको मिलेगा इन अ प्लेन ईच ऑफ विच इज़ एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी जो फिक्स पॉइंट है इसको फिक्स पॉइंट बोलता है तब ये सर्कल का पूरी सर्कल आपका बनता है पूरे पॉइंट्स को मिलाकर तो यही है हमारा स्टूडेंट सर्कल का ये डिफिनेशन हो गया अब आप समझो यहाँ पर ये जो ये जो हम बात किए फिक्स डिस्टेंस एक्चुअली स्टूडेंट ये फिक्स जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है इस सर्कल का जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ रेडियस रेडियस क्या है जो फिक्स डिस्टेंस इज़ कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स द फिक्स पॉइंट इट इज नोन एज सेंटर ये जो सर्कल का सेंटर है यह फिक्स पॉइंट कहलाता है क्लियर यहां तक तो क्लियर हो गया उसका सेंटर क्या है उसका रेडिय अब आपको जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन भी बता दिया कि रेडियस क्या है जो हमारा फिक्स डिस्टेंस है वो रेडियस हो गया और फिक्स पॉइंट सेंटर हो गया रेडियस का दूसरा डिफिनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ध्यान से सुनो सेंटर और सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट सेंटर और सर्कल के किन्हीं पॉइंट को मान लो एक सर्कल है ये एक सर्कल है स्टूडेंट सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ तो ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और सर्कल के इस सर्कल के किन्हीं भी पॉइंट को मान लो सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं किन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है इस सेंटर से ये हमारा आर कहलाता है इस दूसरा डिफिनेशन में ये भी आप कह सकते हैं सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है मान लो सर्कल के बाहर क्या सर्कल के ऊपर अ सर्कल सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी है यहां तक क्लियर हो गया आपको सेंटर मालूम हो गया रेडियस मालूम हो गया एक और कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे उसको बोलता है डायमीटर डायमीटर क्या होता है अगर आपने डिफिनेशन लिखना है तो आप डायमीटर के बारे में लिख लेना ठीक है डायमीटर का डिफिनेशन लिखो स्टूडेंट <coughs> हम आपको डायमीटर के बारे में बताते हैं स्टूडेंट ये डायमीटर क्या होता है हम बताते हैं फिर से डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखिएगा ठीक है ये आपका रेडियस हो गया ये इसका सेंटर है ध्यान से समझो हम ऐसे डायमीटर यहां लिख रहे हैं नहीं। आपको डिफिनेशन बता रहे हैं ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल सर्कल के कोई भी दो पॉइंट सर्कल में बहुत सारे पॉइंट है कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट ले लो यहाँ भी तो आ, A line segment joining any एनी टू on ऑन circle सर्कल बट पासिंग the center पासिंग थ्रो द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। अब देखो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियाई है अब कोई भी आपको बोला था कि दो पॉइंट है मान लो ये पी है यहाँ पर क्यू है इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या हो रहा है ये लाइन सेगमेंट किस पास हो रहा है ये सेंटर सेंटर से पास हो रहा है, है. यानी कुल मिलाकर ये डायमेटर है पर इस सेंटर से आप जैसा कि आपने बताया कि सेंटर से यहाँ पर इस इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट का आ, कोई भी पॉइंट हो यानी सेंटर से डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस यानी रेडिया है यानी यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये भी आपका आर है तो कुल मिलाकर ये पूरा डायमीटर है यानी डी है तो कुल मिलाकर एक चीज़ जाना कि डायमीटर इज़ क्या है डायमीटर इज़ टू टाइम्स ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट जान लिया आई होप आपको समझ में आया यहाँ तक नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट अब हमारा जो कॉन्सेप्ट uh, बात करेंगे पोजिशन ऑफ अ पॉइंट अब देखो अगर मान लो ये सेंटर है मान लो क्या ये सेंटर है और ये पी कोई पॉइंट है इस सर्कल के सर्कम पर तो ये आपको पता है कि सेंटर से और सर्कल के सर्कल uh, पर कोई अगर पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा R कहलाता है ये जो डिस्टेंस है कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ये R है तो अगर P लाई करता इस सर्कल के पॉइंट पर तो उस कंडीशन वो पी बराबर आर और अगर यही पी पॉइंट अगर आउटसाइड है इस सर्कल के तो इस कंडीशन पर जो OP होगा वो ग्रेटर देन होगा आर के तीसरा कंडीशन अगर ये पी इन साइड हो इस सर्कल के तो इस कंडीशन पर OP जो होगा वो लेस देन होगा रेडियस के समझे ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया आपको स्टूडेंट ये हमारा कंसेंट्रिक सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है मतलब दो या दो से अधिक सर्कल ऐसे सर्कल जिसका सेंटर तो सेम हो पर डिफरेंट रेडियाई हो जैसे देखा जाए तो इस सर्कल का देखा जाए तो ये रेडियाई है इस सर्कल का देखा जाए जा अलग अलग रेडियाई देखो जाए तो ये रेडियाई मान लो अगर ये आर वन है तो ये आर टू है अलग अलग रेडियाई ये आर थ्री है आरी बस में सेंटर सेम है बट रेडियाई डिफरेंट है तो इस तरह के सर्कल्स को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं इक्वल कोड्स इक्वल सर्कल कैसे कहते हैं दो ऐसे सर्कल जिसका रेडियाई आपका सेम हो जैसे दो ऐसे सर्कल जैसे मान लो ओ आर एक और सर्कल है उसका भी रेडियाई सेम है सेम रेडियाई यानी इसका यहाँ तक जो इसका रेडियाई है वही इसका रेडियाई है, है कुल मिलाकर इस तरह के सर्कल को हम लोग इक्वल सर्कल कहते हैं इसको हम कॉन्ग्रेंट सर्कल भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आप एक दूसरे को रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे सेम सेप है और सेम साइज़ है तो इस ये एक्चुअली कन्ग्रेंट सर्कल को हम लोग इक्वल सर्कल्स भी कह सकते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स को इक्वल सर्कल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसका रेडियाई क्या है आपस में सेम है उसके बाद है हमारा सर्कम स्क्रिप्ड सर्कल इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा पॉलीगॉन होता है और पॉलीगॉन ये जो सर्कल है पॉलीगॉन के वटाइसिस को टच करता है तो इस तरह के सर्कल को हम लोग सरकम स्क्रिप्ट सर्कल कहते हैं जिसमें पॉलीगॉन के एक्ट्राइंगल है यहाँ पर कोडिटेटर इन स्क्रिप्ट सर्कल में, में क्या होता है कि जो सर्कल होता है वो टच करता है पॉलीगॉन के साइड्स को इसमें क्या होता है सर्कल टच हो रहा है पॉलीगॉन के वटाइस को इसमें सर्कल टच करता है इसके पॉलीगॉन के साइड्स को यही फ़र्क है तो ये सरकम स्क्रिप्ट सर्कल कहलाता है और ये इन इंस्क्रिप्ट सर्कल कहलाता है ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारा कोड क्या है द लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज़ कॉल्ड कोड कोड का डिफिनेशन समझ गए ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर अब कोई भी कोड है इस ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स कोई भी पॉइंट्स है दो पॉइंट को ले लो इस सर्कल पर उसको ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है कोड है जैसे ये भी कोड है ये भी कोड है ये भी कोड है, है ये इसका सेंटर है ठीक है बहुत सारा कोड है इसमें लेकिन जो आपको बता दें जाए कि सबसे बड़ा जो कोड होता है वो उसका डायमीटर होता है क्योंकि आ, क्योंकि ये क्या होता है पास होता है फ्रॉम थ्रू सेंटर तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट कोड क्या है ऑफ अ सर्कल का तो याद रखना डायमीटर आपका लार्जेस्ट कोड होता है ऑफ अ सर्कल का आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कोड कौन सा है ट का डिफिनेशन क्या द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सर्कल की कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लेकिन ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये डायमीटर हुआ कोर्ट भी है और ये साथ में डायमीटर भी क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है तो सबसे लार्जेस्ट कोर्ट कौन सा होता है वो डायमीटर होता है तो अब हमारे जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कोल्ड आर्क ये हमारा क्या एक सर्कल है और सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा स्टूडेंट दैट इज कोल्ड आर्क ठीक है द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क यानी एक छोटा सा पार्ट जैसे मान लो अगर ये ये छोटा सा पार्ट ये क्या हो गया आर्क कहला गया अब आपको हम डिफिन सही से बताते हैं डिटेल में कि मान लो एक सर्कल है इस सर्कल पर कोई दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट क्या करता है कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पर लाइक ए और ये बी तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आर्क हो गया ये आर्क हो गया और ये आपका बड़ी आर्क हो गया तो जो छोटी आर्क है यहां से यहां तक आर्क है इसको बोलता है माइनर आर्क माइनर आर्क और बड़े वाले जो आर्क होते हैं इसको बोलते हैं मेज़र आर्क कौन सा मेज़र आर्क अब लिखने का तरीका क्या है देखो अगर आप किस डायरेक्शन पे लिख रहे हैं अगर ए से आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हो अब आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे कैसे जैसे माइनर आर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे कैसे समझेंगे ए बी तो ए बी लिखें और आ, हो सकता है ए बी लिख रहे हैं तो ये कैसे समझेंगे ये माइनर आर्क ए बी है या मेजर आर्क ए बी है कैसे समझेंगे तो हम बोलेंगे देखो बाबू पहले तो डायरेक्शन चुन लो आप इसमें आप किस डायरेक्शन में जाना चाहोगे आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाना पर चाहोगे या क्लॉक डायरेक्शन मान लो आपको क्लॉक डायरेक्शन में जाना है क्लॉक डायरेक्शन में जाना है तो उस कंडीशन पर ये जो आप ए बी देख रहे हो जब आप क्लॉक डायरेक्शन में जाओगे तो ये जो ए बी देख रहे हो तो ये क्या आ रहा है ये ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है अब ये पॉइंट दोनों ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है इस सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर रहा है दो आर्क में है ना एक तो बड़ा वाला आर्क एक तो छोटा वाला आर्क तो ये जो किस पोजीशन में जा रहा है ये आप किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो ये ये आपका घड़ी की दिशा जा रहा है यानी क्लॉक डायरेक्शन में तो ये जो ए बी है आर्क ए बी है ये एक्चुअली क्या है ये आपका मेज़र आर्क है मेज़र आर्क है आर्क ए बी और ये क्योंकि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वी आर गोइंग क्लॉक डायरेक्शन और बी ए जो होगा आर्क बी ए वो क्या होगा आपका माइनर आर्क होगा आपका माइनर आर्क होगा तो मेज़र आर्क और माइनर आर्क को आप समझ गए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये अब इसको इस आर्क ए बी को आप ऐसे लिख सकते ए बी डाला और ऊपर डाला इस तरह से बी ए डाला तो ऊपर डाला तो आप आपको समझ में आ रहा है कि ये आर्क ए बी कौन सा मेजर आर्क है और ये माइनर आर्क है जब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो जब आप क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आप जाते हो अगर आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन यानी यहाँ से जाते हो तो उस कंडीशन पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब आप जा रहे हो तो जो ए बी होगा वो आपका ए बी जो आर्क होगा ये जो आर्क होगा ये आपका उस कंडीशन पर माइनर आर्क कहलाएगा और बी ए जो होगा उस कंडीशन पर आपका ये क्योंकि हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस समय मेजर आर्क होगा तो यहाँ आर्क के बारे में तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सेक्टर और सेगमेंट में सेक्टर में क्या होता है देखो सेक्टर आराम से समझो दो रेडियाई यहाँ पर दो रेडियस है दो रेडियस और ये आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर कहलाता है ये वाला जो एरिया है आपका माइनर सेक्टर और ये वाला मेजर सेक्टर उसी तरह कोड और आर्क ये कोड है और आर्क उसके बीच का जो एरिया है ये आपका आपका क्या कहलाता है माइनर सेगमेंट और ये वाला मेजर सेगमेंट यही है आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आया अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक चल पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो